आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी टाइम्स। सिलीगुड़ी में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक युवक हिरासत में। 4 नंबर वार्ड के महाराज कॉलोनी में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। आरोपी का नाम विकास सहानी है। जानकारी के अनुसार 29 जनवरी को सरस्वती पूजा के दिन उक्त बच्ची शाम को पास के एक पंडाल में गई थी। आरोप है कि विकास सहानी ने बच्ची व उसके बड़े भाई को चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को नदी के किनारे लेकर गया। बाद में बच्ची के बड़े भाई ने उसे खून से लथपथ व बेहोशी के हालत में नदी किनारे देखा। घटना की जानकारी मिलते ही बच्ची के परिवार वालों व खालपाड़ा चौकी की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इस घटना के संबंध में पीड़िता के परिवार वालों ने खालपाड़ा चौकी में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। परिवार वालों की तरफ से बताया गया है कि वे लोग बच्ची के मेडिकल जांच के बाद अगला कदम उठाएंगे। सरस्वती पूजा का दिन था, दोनों नदी के किनारे में दोनों तरफ पंडाल था तो लड़की देखने गया। शाम 7 बजे 7:30 बजे के बीच था। लड़की देखने गया तो लड़की को ले गया, वो लड़का टान के ले गया। तो हम लोग तो मालूम नहीं है, लड़की को भाई आके बोला कि मम्मी देख बाबू को पटक दिया, ज्योति को पटक दिया। तो बोला उसका मम्मी कैसे पटक दिया, बोला चल ना जाके देख ना ज्योति को पटक दिया। फिर उसका मम्मी जाके बोलती है, जाके देखती है तो लड़की पूरा खून से लथपथ बेहोश, उसका मम्मी भी बेहोश हो गई। फिर बस्ती का आदमी लोग आया, देखा, लड़का से पूछा कि कौन था रे बाबू, तो बोलता विकास नाम का लड़का था, मेरा भी चॉकलेट दिया, ज्योति का भी चॉकलेट दिया, ले जाके नदी किनारे में पटक दिया। उसके बाद हम लोग पकड़े लड़का को, जैसे मारने चाहे कोई पुलिस का फोन कर दिया, लड़का को उठा के ले गया पुलिस थाना। अच्छा, तो का इस जगह का नाम क्या है आप लोग का? महाराज कॉलोनी 4 नंबर वार्ड। खाना हम बना रहे थे तो मेरा लड़की ना वे सरस्वती पूजा देखने गया ना, तो उसको ना जो मेरा लड़का आया कहने के लिए कि विकास ना इसको फेंक दिया, ज्योति को मार को फेंक दिया, तुम गे लाने के लिए उतना दिमाग में नहीं डूबा तो इसलिए गए ना उसको लाने के लिए, तो उसका पूरा ब्लड खस रहा था तो हम बेहोश हो गए खुद ही।